मनोज मुंतशिर हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही प्रसिद्ध गायकी स्क्रिप्ट राइटर लिरिकिस्ट कवि लेखक और गीतकार। शायद आप में से काफ़ी लोगों को इनके बारे में पता भी होगा, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन्हें पहले सुन चुके हो। जी हाँ, जैसे तेरी गलियां, मेरे रस के कमर, जियो रे बाहुबली, मैं फिर भी तुमको छाऊंगा, हम नवा मेरे, और मेरा फेवरेट तेरी मिट्टी, ऐसे बहुत से बॉलीवुड सॉन्ग हैं जिन्हें मनोज मुंतशिर सर लिख चुके हैं। और बाहुबली जो सबकी फेवरेट मूवी है, उस मूवी के डायलॉग और स्क्रिप्ट जो प्रभास यानी कि बाहुबली फिल्म में बोलता है, वो भी मनोज मुंतशिर सर ने ही लिखे हैं। और इसी कारण मनोज मुंतशिर सर को कलम का बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। वेल, आज इनकी इतनी बड़ी सक्सेस इन्हें बहुत ही मुश्किल से मिली है। इसके पीछे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, तब जा कर के ये इस मुकाम तक पहुँच सक पाए। आखिरकार एक छोटे से गांव में एक किसान का बेटा इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा एक लिरिकिस्ट बन के दिखाता है। पर कहते हैं ना कि अभी जिसमें टैलेंट है वही बाहुबली है। अगर आप किसी चीज़ को, किसी इस पोजिशन को रियली में डिजर्व करते हो तो बेशक वह आपकी होगी। मनोज मुंतशिर सर की लाइफ भी कुछ ऐसी है। वेल, आज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा मनोज मुंतशिर की लाइफ के बारे में, सब कुछ डिटेल्स में। आइए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का। वेल गाइज, तो मैं हूँ आर के प्रजापति और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड राइटर पर। वेल, मनोज मुंतशिर का जन्म 27 फरवरी 1966 को उत्तर प्रदेश के एक जिले अमेठी के एक छोटे से गांव गौरीगंज में हुआ। कच्चे मकान, टूटे दिल, शुरू से ही मनोज मुंतशिर एक गरीब परिवार से थे। पिताजी किसान थे और पंडित थे। मनोज मुंतशिर लेकिन कभी हार नहीं मानते थे। धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल गए। स्कूल में उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत ही शौक था, और जब वे 8वीं क्लास में थे तब वे दीवाने एक गालिब नाम की पुस्तक पढ़ते, पर यह पुस्तक उर्दू में थी और मनोज मुंतशिर को उर्दू आती नहीं थी, तो वे मस्जिद के बाहर से एक उर्दू की पुस्तक 2 रुपये में खरीदते हैं और उस पुस्तक के जरिए वे उर्दू पढ़ना सीखते हैं, उसको समझते हैं। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई चलती गई, बड़े होते गए। अब टाइम था कुछ करने का, अपना करियर बनाने का। वे 1997 में इलाहाबाद आकाशवाणी में फर्स्ट बार काम पर लगते हैं, और उस समय उनका वेतन सिर्फ 135 रुपये ही था। उसके बाद वे सोचते हैं कि वे इलाहाबाद छोड़कर मुंबई चला आते हैं। अब मुंबई में उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन इसी बीच उनकी मुलाकात अनूप जलोटा से होती है 1999। अनूप जलोटा एक गायक है, एक सिंगर। वे चाहते थे कि मनोज मुंतशिर उनके लिए भजन लिखे। अब मनोज मुंतशिर को भजन लिखना आता तो था नहीं, लेकिन उन्हें पैसों की उस समय ज़रूरत थी और उनके पास कुछ काम भी नहीं था, तो वे जैसा तैसा भजन लिखते हैं और उन्हें देते हैं। और उस समय वाकई में उनका भजन उनको बहुत पसंद भी आ जाता है, जिसकी वजह से अनूप जलोटा मनोज मुंतशिर को 3,000 रुपये देते हैं, और ये उस समय मनोज मुंतशिर की फर्स्ट वेतन, मुंबई में अपना फर्स्ट वेतन था। लेकिन उन्हें उस समय कहाँ पता था कि वे आगे चलकर लाखों रुपए कमाएंगे। धीरे धीरे और दिन बीतते गए, और इसी बीच मनोज मुंतशिर की मुलाकात स्टार टीवी के एक अधिकारी से होती है। उनके साथ बातचीत होती है और वे कहते हैं मनोज मुंतशिर को कि चलो मैं तुम्हें अमिताभ बच्चन से मिलवाता हूँ। उनका जो शो है KBC, उनके लिए उन्हें एक राइटर की ज़रूरत है, तुम उनके लिए काम कर सकते हो। मनोज मुंतशिर, उनको यकीन तो नहीं था कि अमिताभ बच्चन से मिलवाएंगे, लेकिन फिर भी जाते हैं उनके साथ, और वहाँ पर उनकी मुलाकात रियली में अमिताभ बच्चन से ही होती है। उनके बीच बातचीत होती है और अमिताभ बच्चन उन्हें अपने शो KBC के लिए स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रिप्ट लिखने का काम भी देते हैं। अब मनोज मुंतशिर KBC में काम करते हैं, जो 2005 में TV पर आया था। लेकिन मनोज मुंतशिर को शुरू से ही एक गीतकार बनना था, एक लिरिकिस्ट बनना था, तो वे उस काम को भी छोड़ देते हैं। अच्छा खासा कमा रहे थे, लाखों रुपए कमा रहे थे, फिर भी उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद वे बॉलीवुड के लिए सॉन्ग लिखने का काम शुरू करते हैं, लेकिन उस समय मनोज मुंतशिर को कोई नहीं सुनता, क्योंकि ना ही तो उनकी किसी सिंगर के साथ पहचान थी और ना ही कोई सिंगर उन्हें सुनना चाहता था। लेकिन उनका एक सॉन्ग जो फर्स्ट 2014 में आया था, तेरी गलियां, वो उनका सॉन्ग अंकित तिवारी सर सुनते हैं।
और अंकित तिवारी सर को ये सॉन्ग बहुत ही पसंद आता है और उन सॉन्ग को करते भी हैं। और ये सॉन्ग रातों रात इतना पॉपुलर हो जाता है कि मनोज मुंतशिर की पूरी लाइफ बदल जाती है। मनोज मुंतशिर को एक नया नाम, एक लिरिकिस्ट के तौर पर, एक गीतकार के तौर पर उनकी पहचान होने लगती है। और इसी से मनोज मुंतशिर ने फिर आगे चलकर बॉलीवुड में कई नए नए सॉन्ग लिखे, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। वेल गाइज, देन ये तो थी मनोज मुंतशिर के बारे में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही और अलग अलग वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।